अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सदाकत मिन्हास, लाहौर से आपको सुबह बखैर। आज बात करता हूँ अर्बन फॉरेस्ट की। शजरकारी को हम लेते हैं, बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क का। हमारे मुल्क में हमारे कुल रकबे का जंगलात जो हैं वो सिर्फ 5% है, बहुत मुश्किल से 5%, जबकि 25-30% हो तो मुल्क मुआशी तौर पे तरक्की कर जाता, मईशत अच्छी होती है उसकी, क्लाइमेट चेंज होता है, बड़े फ़ायदे हैं उसके, लकड़ी मिलती है, बिज़नेस है, आप फ्रूट खाते हैं, बेचते हैं, एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ जलगोज़ा है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हमारे शुमाली इलाकों में, कॉनिफ्रस ट्रीज़ हैं, जलगोज़ा है उसमें, पाइन और अच्छी टीक वुड सारा कुछ मिलता है वहाँ पर। हमारे मैदानी इलाकों में एक रेंज है फ्रूट ट्रीज़ की। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जितनी जगह मिल जाए आपको, एक नाल एक मरले से मुराद 250 या 270 स्क्वायर फुट डिफरेंट होता है, वेरी करता है पिंडी लाहौर पंजाब साउथ पंजाब में, तो कम से कम एक मरले पे ही वो जंगल लगा लिया जाए, इसकी बड़ी अहमियत है। दरख्त ज़िंदगी का दूसरा नाम है, ये ऑक्सीजन पैदा कर रहे होते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज़ कर रहे होते हैं। माइनस कार्बन कंट्री बनाने में इसका बड़ा रोल है। मेरा एक मिशन है कि पाकिस्तान माइनस कार्बन कंट्री हो, आई विश अलग रहे आमीन। तो अब आप बाहर नहीं जा सकते, ये तो बच्चे भी इसको मैनेज कर सकते हैं, घर वाले ख्वातीन बच्चे किसी कोने में लगा दें, उसकी उसको बड़ा होने तक की केयर करनी पड़ती है, उसके बाद की चीज़ें वो खुद संभाल लेता है। जैसे बार बार जिक्र हुआ है कि फूड फॉरेस्ट या परमा कल्चर, उसमें चीज़ें खुद चलती रहती हैं, एक कुदरती निज़ाम तैयार हो जाता है। आपने एक दफ़ा की मेहनत करनी है, उसके बाद ही आपका निज़ाम चलता रहेगा, सदका जारी हो जाएगा। चिरंत परिंद क्लिफ्टन में इन्होंने शाह मोहम्मद साहब ने लगाया हुआ है फूड फॉरेस्ट, सॉरी मिनी फॉरेस्ट, तो वो बता रहे थे कि हमसाया कहते हैं कि अब जो है ना परिंदों की तादाद भी बढ़ गई। देखिए सर, घोंसले परिंदों ने दरख्तों पे बनाने होते हैं, गंदम और मकई की फसल पे नहीं जो कि कट जाती है, दरख्त कम हो रहे हैं, कुदरती माहौल में इकोसिस्टम में डिसबैलेंस हो रहा है, तबाही आ रही है, तो शहद की मक्खी भी कोशिश करती है कि छत्ता दरख्त पे ही बनाए। तो ये बहुत सारी जंगली हयात का मस्कन भी, इसमें गिरगट भी होगा, इसमें गुलहरी है, एक चहल पहल होती है, परिंदों की चहकार होती है, अच्छा तासर होता है आपके लिए, ज़िंदगी है, ये खुराक दे रहे होते हैं आपको, लकड़ी दे रहे होते हैं दरख्त। हमें बच्चों से ज़्यादा दरख्तों की केयर और परवरिश करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हमारी ज़िंदगी हैं, तो ये बच्चों के लिए ही हमने करना है। तो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड, इंटरलिंक्ड है, ये फ्यूचर की बात है, हमने फ्यूचर अच्छा बनाना है पाकिस्तान का, बच्चों का। तो इतने दरख्त दे के जाएँ कि हवा साफ़ होती रही, प्योरीफाई होते, दरख्त फेफड़े हैं फिजा के, प्योरीफायर हैं, ऑक्सीजन यही बना रहे होते हैं सबसे बड़ी, और सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करने का, ख़त्म करने का ये ज़रिया बनते हैं हमारे जंगलात। तो फॉरेस्ट आपको लगानी चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट्री की शदीद ज़रूरत है, दिस इज़ द नीड ऑफ द डे, आपको ये करना है जितनी जगह भी मिल जाए। कहते हैं कुछ खार तो कम कर ही गए गुजरे जिधर से हम, तो दिए से दिया जलाना है और शजरकारी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। 14 अगस्त भी आ रहा है, ये हमारा मैसेज है, और एक ग्रुप बन चुका है जिसमें पाकिस्तान के टॉप ट्रेनर्स हैं, डिजिटल ट्री, अमार जाफरी साहब ने ये ग्रुप बना दिया हुआ है व्हाट्सएप का। मैं दावत देता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, जो दरख्तों का गहरा इल्म रखते हैं, जो दरख्तों से प्यार करते हैं, जो शजरकारी से मोहब्बत करते हैं, शजर दोस्त हैं, प्लीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इसमें आएँ, इसमें सीखें, इसमें सिखाएँ, जो अच्छे ट्रेनर्स हैं वो दूसरों को बताएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं इसकी अहमियत का। कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, वेबिनार्स होंगे, तो ये मेरा मैसेज यहाँ से चला जाए कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और मुल्क को मजबूत बनाएं। हम प्रॉस्पर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।